हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मौज मस्ती में होंगे। तो आज हम जा रहे हैं हमारे परिवार के अंदर, आज शादी फिक्स हो रही है हमारे बड़े ससुर जी के पोते और पोती में शादी फिक्स हो रही है। तो हम वहाँ पर जा रहे हैं, आज पीले चावल होने की रस्म हो रही है। तो मैं अपनी सासू माँ के साथ और हमारी जेठानी, हम सब जा रहे हैं उनके घर। तो यहाँ पर जो पीले चावल होने थे वो हो गए, और यहाँ पर ये हमारी जेठानी है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं उनके लिए खाने के लिए रोटियाँ, खाने का इंतजाम कर रहे हैं, बाजरे की रोटी बना रहे हैं चूल्हे पर। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ मैं घर, और घर आते यहाँ पर मैं बना रही हूँ गेहूँ का पीसना, गेहूँ साफ कर रही हूँ। और अभी घर के अंदर कुछ हमने थोड़ा दिन पे, दो तीन दिन पहले शायद वीडियो में देख लिया, हमारे सासू माँ ने आंगन लिपा था, और उसके ऊपर हम करेंगे आज थोड़ा बहुत मांडने और कुछ चित्र बनाएंगे। तो आपको पता है राजस्थान के घरों के अंदर कुछ मांडने और चित्र जो गोबर की दीवारों के अंदर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये कड़ी वाली होती है सीमेंट होती है, सफ़ेद सीमेंट जो इसे मतलब मांडे बनाने के लिए काम में ली जाती है। तो यहाँ पर मैंने उसको तैयार कर लिया, घोल लिया। तो चलिए मैं मांडने बनाते शुरू कर देती हूँ, मतलब किस तरीके से बना रही हूँ। आप मेरी वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये देखिए हमारे हाथ भी कैसे हो गए, पट्टे पट्टे से हो गए। ये देखिए मैं साइड की जो दीवार है यहाँ पर ये बना रही हूँ इस तरीके से, और बीच जो आंगन का बीच होता है वहाँ पर मैंने एक रंगोली बना दी है। ये मतलब मेन दीवार पर इस तरीके से कुछ फूल बनाए हैं। ये शायद ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, शायद 15-20 दिनों तक इसी तरह से रहेगी। मतलब ये जो सीमेंट है मतलब कई दिनों से उतरेगी नहीं, मैंने अपने हाथों से बनाया। ये मतलब एक कमरे के आगे इस तरीके का फूल बनाया, इस तरीके से मैंने पूरी रंगोली है 2-3 घंटे के अंदर, ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, चारों तरफ तैयार कर दिया है। तो आप ये बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना, और कमेंट भी करना। थैंक यू, मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में।